आज की इस वीडियो में बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी F15 के बारे में। इस फ़ोन में मैं आपको कीबोर्ड सेटिंग करके दिखाऊंगा। कई सारे लोग होते हैं जिनको सैमसंग का कीबोर्ड पसंद नहीं आता है, वो गूगल का कीबोर्ड यूज़ करते हैं, या फिर आप चाहो तो कोई और कंपनी का कीबोर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो। प्ले स्टोर में बहुत सारा कीबोर्ड अवेलेबल है, लेकिन कीबोर्ड डाउनलोड करने के बाद भी कीबोर्ड को सेटिंग करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि कीबोर्ड अगर आप यहाँ पर सर्च करोगे, जैसे कि मैं सर्च कर रहा हूँ कीबोर्ड, तो कई सारे एप्लीकेशन मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जिसमें से गूगल का एक एप्लीकेशन है जिसे मैं खुद यूज़ करता हूँ। मुझे पर्सनली सैमसंग का उतना खास पसंद नहीं आता है, मैं गूगल का यूज़ करता हूँ। आप चाहो तो किसी भी कंपनी का कीबोर्ड यूज़ कर सकते हो, लेकिन दूसरे कंपनी का कीबोर्ड यूज़ करने से दिक्कत यह आता है कि उनमें आपको बीच बीच में ऐड देखना पड़ता है, जो काफ़ी इरिटेटिंग होता है। तो इसीलिए मैं गूगल का यूज़ करता हूँ। तो आप चाहो तो किसी का भी यूज़ कर लो और उसके बाद उसे सेटिंग कर लो, ठीक है। सेटिंग करने के लिए फ़ोन का सेटिंग ओपन कर लो। तो मैं सिंपली यहाँ पे फ़ोन का सेटिंग ओपन कर लेता हूँ। फ़ोन का सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे नीचे ही आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जनरल मैनेजमेंट का। सिंपली जनरल मैनेजमेंट पे चले जाओ, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस टाइप का ऑप्शन, और यहाँ पे आपको कीबोर्ड लिस्ट एंड डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली यहाँ पे टैप कर दो। टैप करते ही यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ से अगर आप गूगल का कीबोर्ड यूज़ करना चाहते हो तो सिंपली गूगल पे टैप कर दो और आपका जी बोर्ड यहाँ पे टैप हो चुका है। अभी जब भी आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करोगे तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट गूगल का कीबोर्ड ही ओपन होगा।